अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है और इन्हीं पिछले 3 महीनों के दौरान बहुत सी थ्योरीज ने जन्म लिया कि आखिर ये कोरोना वायरस के पीछे है कौन। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन इसके पीछे हो सकता है। फोर्ट डेट्रिक, जो कि अमेरिकन मिलिट्री का मेडिकल कमांड सेंटर है मैरीलैंड में, वहाँ पे जुलाई 2019 में एक लेवल 4 लैब जिसमें खतरनाक वायरसेस और बायो वेपन्स पे रिसर्च होती है, कुछ सेफ्टी कंसर्न्स की बिना पर बंद कर दिया गया और करीबी हॉस्पिटल्स में कई लोग पुरिसरार नमूनिया की वजह से हलाक हो गए और US गवर्नमेंट ने इसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से होने वाले इन्फेक्शन का नाम दिया, जिससे कई हज़ार लोग इन्फेक्ट हुए और इस बार US में सीजनल फ्लू से मरने वालों की तादाद भी पिछले बहुत सालों से ज़्यादा रही है। दूसरी तरफ चाइना ने कुछ वीक्स पहले अमेरिकन गवर्नमेंट से वुहान मिलिट्री गेम्स में शामिल उनके मिलिट्री दस्ते की मेडिकल हालत की डिटेल्स भी मांगी हैं कि आखिर उनको क्यों स्पेशल प्लेन पर वापस ले जाया गया और पिछली बारी किसी अमेरिकन फौजी ने कोई मेडल नहीं जीता, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है। एक और वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिका पिछले 1 साल से चाइना से ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व है और चाइना की बढ़ती मौशी पावर से परेशान था और वो चाइना की एक्सपोर्ट्स को कम करना चाह रहा था। और इसके अलावा यूरोप ने भी बोला है कि वो चाइना पर अपनी इन्हेसार को मज़ीद कम करेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप मुतअद्दिद बार अपने इंटरव्यूज़ में कोरोना वायरस को चाइनीज़ वायरस कहकर बुलाते रहे हैं और बजिद नज़र आए हैं और रिपोर्टर्स को बोलते रहे हैं कि इसको चाइनीज़ वायरस ही कहा जाए क्योंकि ये चाइना से आया है। इससे जाहिर होता है कि अमेरिकन डीप स्टेट को यकीन है कि वायरस के फैलने के पीछे चाइना का हाथ है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों का ये भी कहना है कि चाइना डेडली वायरस से बायो वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था और नामुनासिब सेफ्टी मेजर्स की वजह से उनकी वुहान लैब से यह वायरस एस्केप हो गया है और अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने वुहान की सी फूड मार्केट थ्योरी को भी रद्द कर दिया। एक और भी ओपिनियन है अमेरिकन सरकारी हलकों में जो पाया जाता है कि चाइना और WHO दुनिया से 2 मंथ्स झूठ बोलते रहे और वायरस कंटेजियस नहीं, और जब दुनिया को बताया तब बहुत देर हो चुकी थी और चाइनीज़ नेशनल्स को वापस आने से भी नहीं रोका। और अब लेटेस्ट इतलात के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन WHO के डायरेक्टर जनरल को तब्दील करने की बात भी कर रही है और WHO की फंडिंग भी बंद कर रही है, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है। क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है फंडिंग बंद करने का, जब एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है पूरी दुनिया की तरफ से इस वायरस से निजात हासिल करने के लिए? अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। तीसरी जो अफवाह गर्दिश कर रही है या जिसको थ्योरी आप कह लें, वो ये है कि बिल गेट्स जो है वो कोरोना वायरस के पीछे है। अच्छा, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक चैरिटी फाउंडेशन है जिसे बिल गेट्स खुद चलाते हैं। पिछले बहुत से सालों से दुनिया भर में वो डिफरेंट इकसाम की वैक्सीन पर फंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में पोलियो जैसे मूजेमर्स की वैक्सीन के लिए KP प्रोविंस में फंडिंग बिल गेट्स की फाउंडेशन ने ही की थी। पिछले कुछ सालों से बिल गेट्स दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को एडवाइस कर रहा था कि आने वाली कॉन्टेजियस डिजीज़ या वबाई अमराज से लड़ने के लिए पॉलिसीज़ बनाएं और फंड्स मुख्तस करें, लेकिन कोई उसकी बात को अहमियत नहीं दे रहा था। और जब से कोरोना वायरस आया है, सबसे ज़्यादा जोर देकर लॉकडाउन करवाने की बात भी बिल गेट्स ही कर रहा है, और ये भी कि हालात 1 या 2 साल के बाद ही नॉर्मल होंगे। इसके साथ साथ जितनी भी कंपनीज इस वक्त कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही हैं, उनको फंडिंग भी बिल गेट्स की यही ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। बिल गेट्स की मुतअद्दिद बार मीडिया पर आकर वार्निंग देने की वजह से लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि आखिर क्यों बिल गेट्स को ये खबरें थीं और क्यों इतना शोर है कि दुनिया 1 या 2 साल से पहले नॉर्मल नहीं होगी और क्यों एक साथ सब वैक्सीन पर रिसर्च करने वाली कंपनीज को फंड भी यही कर रहा है। एक और थ्योरी जो कि गर्दिश कर रही है लेकिन बहुत ही कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ये है कि पिछले 1 साल से इकोनॉमिक रिसेशन या मौशी गिरावट की बात चल रही थी क्योंकि दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था दुनिया भर में, लेकिन कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी रिसेशन की, जो कि नेगेटिव ग्रोथ होती है 2 quarters इन अ ईयर। लेकिन अब इसकी वजह कोरोना वायरस की शक्ल में नज़र आई है। दुनिया में कहा जाता है कि चंद बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिचेस्ट 1%, जिनके मेंबर्स इस शेडो कबाल का हिस्सा हैं और वही इकोनॉमीज और बैंक्स को कंट्रोल करते हैं दुनिया भर में। थ्योरी ये भी है कि वो पैसे नहीं बना पा रहे थे, तो अब रिसेशन में मार्केट्स में भी पैसे बन रहे हैं और जब मार्केट्स उठेंगी तो भी पैसे बनेंगे और इस दौरान बहुत सी बैंक्रप्ट होने वाले इदारे और कंपनीज भी यही लोग खरीदेंगे, जिससे उनकी इनकम में मज़ीद इजाफा होगा। इस पर तफसील से बात किसी और वीडियो में करूँगा मैं। अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी जो है वो ये है कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो है कोरोना वायरस के पीछे। अब तक जितनी भी थ्योरीज कोरोना वायरस पे आई हैं, उनमें सबसे मज़ाक खेज थ्योरी ये है कि 5G टावर्स की वजह से कोरोना फैल रहा है
और यूके के अंदर बहुत से 5G टावर्स को इसी फेक न्यूज़ की वजह से जलाया गया है पिछले दिनों में। तमाम साइंटिस्ट और टेलीकॉम एक्सपर्ट्स की कम्युनिटी ने इसे टोटली रद्द किया है और रिजेक्ट किया है। इस थ्योरी के फैलने की वजह कुछ सोशल मीडिया पर मौजूद वो ग्रुप्स हैं जो 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ कंपेन चला रहे थे कि इससे कैंसर होता है, और एक और वजह हुकूमत पर लोगों का डिस्ट्रस्ट भी माना जाता है। बैट्स यानी चमगादड़ की अगर बात करें तो बैट्स में यह वायरस नेचुरली मौजूद होता है। कोरोना वायरस एक वायरस नहीं बल्कि वायरसेस की एक फैमिली है। सार्स जो कि 2003 में आया था वो इसी कोरोना वायरस फैमिली का हिस्सा है, और इस पर दुनिया भर में रिसर्च की गई और वैक्सीन भी बनाई जा चुकी थी। फिर अचानक से वो रेस्पिरेटरी वायरस दुनिया से ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से फंडिंग बंद हो गई और वैक्सीन की टेस्टिंग ना हो सकी। कोरोना वायरस COVID-19 भी इसी फैमिली का हिस्सा है जो म्यूटेट करके अपनी बहुत सी स्ट्रेन्स बना चुके हैं। सबसे पहली थ्योरी जो कोरोना वायरस के फैलने की बताई गई थी वो बैट सूप या फिर बैट्स की चाइनीज सिटी वुहान की सी फूड मार्केट में खरीदो फरोख्त थी। बचपन में हमारे बुजुर्गों ने हमेशा बैट से दूर रहने की हिदायत की है, जो इस दौरान सही साबित हुई है। इन सब थ्योरीज में आज तक एक ही चीज़ साबित हुई है, वो है बुजुर्गों की बातें। आजकल अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर तहकीक कर रही है, और ट्रंप और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो पहले भी कह चुके हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट की इन डेडली वायरसेस पर रिसर्च की वजह से यह वायरस फैला, और अब उन्होंने सी फूड मार्केट थ्योरी को मानने से भी इनकार कर दिया है जो उन्होंने खुद रिलीज की थी। अमेरिका ने चाइनीज गवर्नमेंट से उनकी वुहान लैब की रसाई भी मांग ली है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि अमेरिकन लैब को जुलाई 2019 में बंद किया गया था, उसी टाइम पे जुलाई 2019 में एक चाइनीज कपल जो कनाडा की लेवल 4 लेबोरेटरी में काम कर रहा था को वहाँ से निकाल दिया गया, ये कहकर कि उन्होंने डेंजरस वायरसेस चाइना की वुहान लेबोरेटरी विच इज़ लेवल 4 लैब को ट्रांसफ़र की है, जिसपे कनाडा में तहकीक हो रही थी। दोस्तों, इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि सार्स जो कि चाइना में आया था 2003 में, उस वायरस की वैक्सीन पे काम के दौरान यह वायरस लैब से लीक हो गया हो, और कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इस वायरस और सार्स वायरस की स्ट्रेन्स में कुछ ममासलत हैं, और कुछ ये कहते हैं कि ये मैन मेड वायरस है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। आइए अब कंक्लूजन पर बात करते हैं। दोस्तों, दुनिया रिलेटिव ट्रुथ पर चलती है। कोई एक सच या थ्योरी पूरी दुनिया में एक साथ कभी नहीं मानी जाती, और हमेशा मुख्तलिफ थ्योरीज दुनिया के डिफरेंट रीजन्स में किसी न किसी टॉपिक पे मानी जाती रहती हैं, और गवर्नमेंट्स दुनिया भर में इंफॉर्मेशन लोगों से छुपाती है, और ये भी पॉसिबल है कि सच कभी सामने ना आए या 20 साल बाद किसी लीक्ड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की सूरत में सामने आ जाए, जैसे विकीलीक्स में आया था। बट एक बात तो तय है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप उन तमाम पॉसिबिलिटी को जान चुके हैं जो इस कोरोना वायरस फैलने की वजह हो सकती है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और दोस्तों और फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ तो कॉमेंट में ज़रूर शेयर करें।